ये कहना मुरली वाले से तुम अब मुझे कब बुलाओगे। अभी जो आप मेरे हाथ में मिक्सर देख रहे हैं, ये स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल की मिनी 8 है, देख सकते हैं आप। ये 8 चैनल की मिक्सर है, हालांकि इसमें आपका जो माइक इनपुट है वो 7 है और बाकी जो 1 है वो स्टीरियो इनपुट के लिए है। इसका जो पूरा ब्रांड नेम है वो स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है मिनी 8। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली मिक्सर है जो कि कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा क्वालिटी में एक मिक्सर है। ये मैंने जो इसको लिया हूँ, हमारे घर में जो कीर्तन होता है उसके लिए मैंने इसको लिया हूँ। तो हालांकि मेरे पास एक यामा का MG10XU है, फिर भी मैंने इसको लिया हूँ क्योंकि हमारे पास माइक्रोफोन बहुत हो गया है, घर में रोज़ कीर्तन होता है तो कीर्तन में यूज़ करने के लिए मैंने इसको लिया हूँ। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है और इसका प्राइस के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे और इसका ऑडियो टेस्ट भी करके आपको सुनाएंगे। चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा पैकिंग के साथ ये आया है और ये जो है ये इसका केबल है और इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप देख सकते हैं कि इसका जो केबल का जो टॉप है उसको सेफ रखने के लिए एक फोम का कवर दिया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको ये केबल है, पावर केबल है, एक पावर केबल मिला और ये रहा जो मेन मिक्सर। मिक्सर को बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग किया हुआ है। इसको सीधा ऐसा निकालते हैं। इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं तो इसके साथ में जो मुझे मिला वो एक तो मिक्सर मिला, साथ में ये एक यूजर मैनुअल मिला। ये एक यूजर मैनुअल है और साथ में एक लिमिटेड वारंटी कार्ड है और ये बिल है। मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा इसमें क्या प्राइसिंग लिखा है और एक सिलिका भी मिला। अगर इसकी कवर के बारे में बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि कॉम्पैक्ट 8 चैनल ऑडियो मिक्सचर, यहाँ पे लिखा है 6 माइक इन है और 6 माइक और लाइन का इन है और एक स्टेरियो इनपुट है। बिल्ट इन इको डिले EFX भी इसमें मिलता है। सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके इसमें देखेंगे और ये कवर में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं और देख सकते हैं कवर में इसका जो प्राइस लिखा है वो 6028 लिखा है, बट इसका जो रियल प्राइस आया वो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से लिया है। तो आप देख सकते हैं मुझे जो प्राइस आया वो 4400 रुपये आया। ठीक है, तो अब बात करेंगे मिक्सर की। जैसे कि देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी में ये मिक्सर बना हुआ है। पहला जो है इसका पीछे साइड का पैनल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक
QR कोड है और ये जो है इसका पावर का जो केबल है यहाँ पे लगेगा, पावर पॉइंट है ये, पावर ऑन ऑफ का एक स्विच भी दिया है। इसका जो ब्रांडिंग देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल का, ये जो लोगो है ये मिनी 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हो गया इसका पीछे का साइड का, फिर हम देखेंगे इसका आगे का। आप ये देख सकते हैं कि पहला जो है ये स्टूडियो मास्टर यहाँ पे था, स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल पूरा इसका जो नेम था, बट अभी ये SM प्रोफेशनल हो गया है। तो ये जो जो पहला चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता था, ये इसका जो लोगो चेंज हो गया है और इसका नेम भी चेंज हो गया, लेकिन दोनों स्टूडियो मास्टर ही है, SM प्रोफेशनल अब हो गया है मिनी 8। ठीक है, इसमें जो माइक है वो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैनल टोटल है, लेकिन इसमें मिनी 8 लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअली कैसा है ना, ये एक माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4, माइक 5, माइक 6, 7, 8, ये सारे चैनल को मिला के ये 8 चैनल बोलता है। लेकिन इसमें आप जो है माइक 6 लगेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये जो दोनों है ये स्टेरियो के लिए है। ये आप यहाँ पे मोबाइल से भी MP3 ला के मोनो लगा के कर सकते हैं, या दो स्टेरियो करके भी यहाँ पे इनपुट करके आप आपका जो MP3 ऑडियो सोर्स है उसको प्ले कर सकते हैं। ये माइक के लिए है और ये लाइन के लिए है। तो सारे चैनल का सिस्टम एक ही है, मैं एक चैनल को आपको बता दूंगा तो आपको सारे चैनल के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप पे देख पा रहे हैं कि ये माइक है, ये लाइन है। लाइन में क्या लगेगा, लाइन में आपका लगेगा जो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑक्टोपैड हो गया, या गिटार हो गया, या कैसियो हो गया, या आपका कोई मोबाइल से आप अगर ऑडियो सोर्स लेके प्ले करते हैं तो यहाँ पे लगा के प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ओनली आपका माइक्रोफोन ही लगेगा, जो 6.35 mm की जो जैक होती है वो यहाँ पे लगेगा। और ये देख सकते हैं जो ये जो पहला नब है वो गेन है, और ये जो है ये HF लिखा है। HF का मतलब है हाई फिल्टर, हाई पास फिल्टर बोलते हैं। ये LF है लो पास फिल्टर, और ये FX के लिए है, और ये वॉल्यूम के लिए है। गेन का जो यूज़ है वो वॉल्यूम और गेन ये दोनों एक जैसा है। तो आप अगर वॉल्यूम देते हैं उसके बाद में भी आपको थोड़ा और वॉल्यूम चाहिए तो आप यहाँ इसको गेन को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक क्लिप का लीड दिया गया है, क्लिप का जो लेड है वो आपका जब साउंड क्लिप करेगा, आपका जो वॉइस क्लिप करेगा, जो साउंड अगर ज़्यादा इसमें आपने दे दिया है तो ये क्लिप करेगा, तो आप इसको थोड़ा कम करेंगे। और HF जो हाई पास फिल्टर है, का जो हाई फ्रिक्वेंसी है, ये हाई फ्रिक्वेंसी का जो यूज़ है वो ट्रिबल के लिए है। जैसे कि आपका आवाज़ अगर आप उसको ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं, ज़्यादा ट्रिबल करना, पतला करना चाहते हैं तो इसको आप देंगे। अगर उसको भारी करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं तो ये लो फ्रिक्वेंसी वाला को देंगे। EFX का जो काम है, यहाँ पे एक सेक्शन है आप देख सकते हैं, वो FX का है, EFX का है, मतलब ये इको का है। इको को हम ऑन कर एक्टिव करने के बाद हम ये अगर वॉल्यूम को जितना देंगे उतना इको इस चैनल में इफेक्ट करेगा, और ये वॉल्यूम है और एक गेन है। तो ये जो इक्वलाइजर है एक चैनल में, सारे चैनल में एक जैसा इक्वलाइजर है। ये जो चैनल है इसमें इन्होंने गेन नहीं दिया है, क्योंकि इसमें गेन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इसमें स्टेरियो या मोबाइल से आप या इंस्ट्रूमेंट से आप वॉल्यूम दे के यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दो है ये मेन आउटपुट है, ये एक लेफ्ट आउटपुट एक राइट आउटपुट है। यहाँ से आप एम्पलीफायर में दे के भी प्ले कर सकते हैं, कोई पावर्ड एम्पलीफायर, कोई PA सिस्टम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है तो उसमें भी लगा के इसको यहाँ से भी लेके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों को यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए। और ये दोनों का जो वॉल्यूम मास्टर वॉल्यूम का जो नॉब है वो ये दोनों है, ये लेफ्ट चैनल को लेफ्ट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए ये नॉब है, और ये राइट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए ये नॉब है। और इसमें पीक और सिग्नल का भी लेड दिया गया है, अगर आपका साउंड ज़्यादा पीक में चल रहा है, नॉइजी कर रहा है तो पे ये जलेगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको कम करना होगा।
इसके बाद में यहाँ पे एक पावर का लीड दिया गया है, जब भी आप पावर ऑन करेंगे तो पावर यहाँ पे चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें पावर आ गया है। और ये जो है एफएक्स का ऑन ऑफ है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो एफएक्स ऑन होगा और इसको ऑफ करता हूँ तो ऑफ होगा। और ये जो तीन नॉब है ये एफएक्स का मेन मास्टर वॉल्यूम है, और ये रिपीट का वॉल्यूम है, और ये डिले का वॉल्यूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी एन डी ग्राउंड प्लस माइनस, ये लगेगा आपका माइक और लाइन के लिए। यहाँ पे जो आपका क्वार्टर इंच पिन जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसा कि माइक और लाइन के लिए ये दोनों के लिए ये पिन लगेगा, ग्राउंड प्लस माइनस वाली और स्टेरियो लेफ्ट राइट के लिए, ये दोनों के लिए ये वाला पिन लगेगा। इसमें ग्राउंड और प्लस का ही दो रहेगा, मतलब TS रहेगा, ये TRS रहेगा। तो ये भी जानकारी इसमें दे दिया गया है। और ये रहा सारी जानकारी, और इसको अभी इसमें मैं किसी भी चैनल में एक माइक इनपुट करूँगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट आउटपुट लेके ये जो मोबाइल से आप देख रहे हैं इसमें इनपुट करूँगा, ताकि जो आवाज़ है वो क्लियरली आपको सुनाई दे, ठीक है। यहाँ से कोई स्पीकर प्ले करके वहाँ से साउंड लेने वाला नहीं हूँ, सीधा यहाँ से मैं आउटपुट निकाल के इस मोबाइल में इनपुट करूँगा, ताकि आपको साउंड क्लियरली सुनाई देगा। और ये सारे जो HF, LF, EFX वॉल्यूम गेन है, ये नॉब कैसा काम करता है, इसका क्या यूज़ है और इसका क्या आउटपुट आता है, वो आपको सही तरीके से पता चल पाएगा। तो चलिए अब ऑडियो टेस्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने माइक को चैनल 1 में इनपुट कर दिया हूँ, और आउटपुट से 26.35 क्वार्टर इंच वाला पिन को लगा के इस मोबाइल में इंसर्ट किया हूँ, इस मोबाइल में इंसर्ट कर दिया हूँ, तभी आपको ये साउंड सही तरीके से पता चलेगा। इसलिए मैंने ये आउट से लेके सीधा मोबाइल में इनपुट किया हूँ, मैंने यहाँ से लेके कोई स्पीकर को प्ले करके स्पीकर का साउंड नहीं लिया हूँ, क्योंकि आपको इसका क्वालिटी पता नहीं चलेगा। तो आपके सामने मैंने ये SM प्रोफेशनल मिनी 8 को लगाया हूँ, साथ में ये जो माइक्रोफोन है वो SV200 शूर कंपनी का लगाया हूँ। तो आप जो इसका जो क्वालिटी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी चलते हैं EQ सेक्शन में, तो कौन सा कैसा काम करता है वो अभी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गेन 50% में है, मैं अगर गेन को बढ़ाता हूँ तो बहुत साउंड डिस्ट्रक्शन आता होगा, तो मैं इसको 50% में रख देता हूँ। तो गेन का काम जो है आपको पता चल गया होगा। और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला मतलब आपका जो आवाज़ है वो उसको पतली कर देगा। देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो बहुत पतला हो रहा होगा, तो मैं इसको 50% में रख दिया हूँ। और ये लो फ्रिक्वेंसी, इसमें बास आएगा आपको। मैं अगर इसको 60% में रखा हूँ, मैं अगर इसको फुल करता हूँ तो आपको मेरा आवाज़ बहुत भारी सुनाई दे रहा होगा। मैं इसको फिर से 50% पे ले आता हूँ। और देखिए यहाँ पे EFX तो ऑन है, लेकिन EFX में इको इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका कारण है कि हमने EFX को बंद करके रखा है और इसका वॉल्यूम भी बंद है। तो मैं इसको फिलहाल ऑन करता हूँ, ऑन हो गया है, लेकिन वॉल्यूम को ऑन करना पड़ेगा। वॉल्यूम को मैं 50% में रख दिया हूँ, और डिले को भी मैं 50 में रखता हूँ, और रिपीट को भी 50 में रखता हूँ। तो आपको अभी जो मेरा आवाज़ है वो इको के साथ आ रहा होगा। तो डिले अगर मैं इसको रिपीट को 0 करता हूँ तो डिले का क्या काम है वो आपको पता चल रहा होगा। मैं इसको फुल करता हूँ धीरे धीरे, फिर मैं इसको धीरे धीरे कम करके 50 में ले आता हूँ। फिर रिपीट को भी मैं 50 में रखता हूँ, फिर रिपीट को भी मैं 100 पे लेके चला जाता हूँ। तो आपको इसका जो यूज है वो आपको साफ पता चल रहा होगा। तो आप ये इसको R&D करके यूज कर सकते हैं कि कौन सा लेवल में आपको ये अच्छा साउंड करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी तो मैंने इसको रखा हूँ, मैं अपना साउंड नहीं सुन पा रहा हूँ, फिर भी मैं इतना रखा हूँ, अभी आप बता देना। तो जैसे कि यहाँ पे FX का जो वॉल्यूम है वो 50% में, तो आपको इको सुनाई दे रहा होगा। मैं इसको 0 पे ले आता हूँ तो इफेक्ट जो है वो बंद हो गया होगा। तो मैं फिर इसको 100 पे लेके जाता हूँ, क्या सुनाई दे रहा होगा वो आप कमेंट में बताना, खुद खुद पता करना। और मैं इसको 50 में या 40 में रखता हूँ। और ये वॉल्यूम जो है ये 50 में है, मैं इसको 100 करता हूँ तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया होगा, तो मैं इसको 50 में ले आता हूँ, थोड़ा कम भी कर देता हूँ।
तो ये एक चैनल को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि कौन सा नॉब कैसा काम करता है, तो सारे चैनल इसके जैसा ही काम करेगा। और ये जो चैनल है स्टीरियो वाली, इसमें अगर मोनो आपके पास है तो सीधा यहाँ पे लगाएंगे और स्टीरियो है तो दोनों में लगाएंगे, और ये सेक्शन की मदद से आप इसका हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी या फिक्स वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। तो ये दोनों जो है आपका मास्टर वॉल्यूम हो गया। मास्टर वॉल्यूम को मैं अगर बड़ा बताऊं तो आपको कैसा सुनाई दे रहा होगा, आप देखना। मैं इसको दोनों को थोड़ा थोड़ा कम करता हूं। अभी आपको कैसा साउंड आ रहा है देखना बताना। और मैं इको को काट दिया हूं, अभी कैसा साउंड आ रहा है बिना इको का और इको का बता देना। मैं एक गाना भी गा के आपको सुनाता हूँ। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से तुम अब मुझे कब बुलाओगे, पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो मेरा आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा प्रणाम ले